हर रोज अपने मां बाप को लड़ता हुआ देखना अमर के लिए काफी दुखद था। अमर हर रोज ये सोचता था कि वो घर छोड़कर भाग जाए, किसी शहर में चला जाए और वहां जाके खूब पैसे कमाए ताकि उसके मां बाप के बीच में झगड़ा ना हो और ये जो आर्थिक तंगी है उसके परिवार में वो दूर हो पाए। छोटी उम्र होने के चलते वो हर रोज सोचता जरूर था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि वो घर छोड़कर और किसी दूर शहर के लिए निकल पाए। लेकिन आखिरकार मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद वो दिन आ ही गया जब अमर ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो घर से भाग गया बिना किसी को बताए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने मां बाप को बताएगा कि वो दिल्ली जा रहा है और वो कमाना चाहता है तो उसके मां बाप उसे नहीं जाने देंगे। इसलिए अमर घर से बाहर निकल गया। उसके पास बहुत पैसे नहीं थे, ना ही कुछ खास चीजें थी, ना ही अनुभव था। आज से पहले उसने ट्रेन देखा तक नहीं था। किसी तरीके से वो स्टेशन तक पहुंचा और वहां जाके उसने पता किया कि दिल्ली के लिए कौन सी ट्रेन जाती है। फिर वो ट्रेन में बैठ गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसके पास टिकट नहीं था। टिकट के लिए जितने पैसे लगने थे वो उसके पास थे ही नहीं, इसलिए वो बिना टिकट के ही ट्रेन के अंदर चला गया। रात हुई और रात को टीटी पहुंची। टीटी ने उससे पूछना शुरू किया कि उसके पास टिकट है या नहीं है। अमर, जिसकी उम्र काफी कम थी, वो काफी डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसने कहा कि उसके पास टिकट नहीं है और उसने टीटी से अनुरोध किया कि प्लीज वो उसे दिल्ली जाने दे, लेकिन टीटी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो उससे टिकट मांग रहा था और टिकट ना होने पे वो उससे पैसे मांग रहा था कि उसे फाइन भरने होंगे या तो ट्रेन से उतरना होगा। अमर के आंखों में आंसू थे, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, और इस चीज को एक बगल में बैठा हुआ इंसान देख रहा था। उसने टीटी से बात की और अमर के लिए जो भी फाइन थे उस इंसान ने भरे और टीटी फिर वहां से चला गया। उसने अमर के बारे में जो कुछ भी चीजें थी वो जाना और उसके बाद उस इंसान ने अमर को अपना एक कार्ड दिया और कहा कि दिल्ली पहुंचने के बाद अगर दिल्ली में कभी भी उसे किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो वो इस नंबर पे कॉल कर लेगा और वो इंसान उसकी सहायता जरूर करेगा। अमर दिल्ली तो जा रहा था, लेकिन वो दिल्ली अपने दूर के एक अंकल के घर जा रहा था, दूर के रिश्तेदार। अंकल को भी नहीं पता था कि वो भाग के आ रहा है। किसी तरीके से जब वो दिल्ली पहुंचा और उनके घर पहुंचा तो उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो भाग के आ रहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे कोई छोटा मोटा काम दिला दे, वो कुछ करना चाहता है। दिल्ली जैसे शहर में जब कोई इंसान किसी के घर पे आता है तो बड़ा मुश्किल है कि दिल से उसका स्वागत हो पाए। अंकल और उनकी फैमिली को किसी तरीके से उसके आने की कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे भी दूर के रिश्तेदार थे। लेकिन चूंकि अमर ने काफी रिक्वेस्ट किया, इसलिए उसके अंकल ने उसे एक काम दिला दिया। ये काम था कार को साफ करने का। जहां कार की सफाई होती थी वहीं पे उसे एक छोटा सा काम मिल गया कि उसे भी कार को साफ करना है। लेकिन उसके अंकल ने एक बड़ी चाल चली। वो उसे इस काम के लिए सिर्फ 1,000 रुपया ही देते थे, जबकि कार वाला इससे कहीं अधिक पैसा अमर के लिए उनके अंकल को देता था। लेकिन अंकल अमर को सिर्फ 1,000 रुपये देते। जब कुछ महीनों के बाद अमर को यह बात पता चली तो अमर ने सोचा कि क्यों ना एक बार वो अंकल से पूछ ले, क्योंकि उसे इस बात का विश्वास ना था कि उसके अंकल उसे सिर्फ 1,000 रुपये देते हैं और बाकी के कई हजार रुपए वो अपने पास रख लेते हैं। जब अमर ने अपने अंकल से इस बारे में बात की तो अंकल इतने गुस्सा हुए कि उसे घर से बाहर निकाल दिया और वहां भी जहां वो जॉब करता था वहां भी मना कर दिया कि उसे जॉब से निकाल दे रहे हैं, अब उसे जॉब नहीं करने देना है, उसे किसी प्रकार से काम नहीं करने देना है। अगले ही दिन अमर को वहां से भी निकाल दिया गया और इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में वो एक बार बिल्कुल अकेला हो गया था और उसके पास कहीं रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तब उसे वो कार्ड, उस कार्ड की याद आई, उस इंसान की याद आई जिसने अमर से कहा था और ट्रेन में उसे बचाया था कि जब कभी भी जरूरत हो वो उन्हें कॉल कर लेगा। अमर ने उन्हें कॉल किया और उस इंसान ने अमर को अपने ऑफिस बुलाया नेक्स्ट डे। जब वो ऑफिस पहुंचा तो उस इंसान से मिलने के बाद उसने अपनी सारी बातें बताई और कहा कि ना तो अब उसके पास कोई घर है, ना तो कोई ठिकाना है और ना तो कोई काम है, उसे कुछ ना कुछ करना है जिंदगी। उस इंसान ने
अमर को काम बताया और वो इंसान कोई और नहीं था, वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक सक्सेसफुल लीडर था। उसने सारे काम बताए कि ऐसा ऐसा काम कर रहा है, क्या वो ये काम कर पाएगा। अमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो बेहतर का चुनाव कर पाया। उसके सामने सिर्फ एक ही चीज अब पड़ी हुई थी, वो थी नेटवर्क मार्केटिंग। उसने कहा कि वो बिल्कुल करेगा। वो रात भर उसी ऑफिस में रह जाता था, उनकी ऑफिस में रहता था, सुबह जग के जल्दी तैयार हो जाता था और दिन भर प्रोस्पेक्टिंग करता था, लोगों से मिलता था और लोगों को प्लान के बारे में बताता था। धीरे धीरे करके उसकी टीम बनने लगी, उसे अच्छे लोग मिलने लगे और दिल्ली जैसे शहर में उसकी टीम काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी। और लगभग 15 महीनों के बाद वो दिन आ गया जब अमर का एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वो दिन आ गया जब अमर और उसके अप्लायंस बल्कि उसकी कार को बुक करने के लिए पहुंचे। लेकिन अमर ने कह रखा था कि उसे एक खास शोरूम से ही खरीदना है और वही कार लेनी है। जब ये बातें हुई तो उसने कहा कि 6 बजे के बाद चलेंगे, सारे काम को करने के बाद शाम में हम लोग शोरूम में पहुंचेंगे। वो लगभग 6:30-7 बजे पहुंचे और उन लोगों ने अमर की कार बुक कर दी। जिस दिन कार की डिलीवरी होने वाली थी, जिस दिन उन लोग को कार लेना था, उस दिन सब लोग तैयार होने लगे। और भी लोग आने वाले थे, टीम से भी कुछ लोग आने वाले थे और अपलाइन अमर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब अपलाइन ने देखा कि अमर एक अजीब से ड्रेस में आया है और अमर ने आज वही कपड़े पहने थे जिन कपड़ों को वो पहन के उस ऑफिस में पहुंचा था, उनके पास पहुंचा था, अपलाइन ने कहा, ये क्या कर लिया? आज कार निकलनी है, इतना बड़ा दिन है तुम्हारे लिए और तुम ऐसे चलोगे? ये अच्छा नहीं लगेगा, और भी लोग आ रहे, तुम्हारी टीम के लोग आ रहे, वो क्या सोचेंगे? पर अमर ने कहा कि नहीं, मुझे इसी ड्रेस में चलने दीजिए, कुछ बात है। अपलाइन ने बहुत समझाया लेकिन अमर के मन में कुछ बातें थी और उसकी भावनाओं का कद्र करते हुए अपलाइन ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही चलो। जब सारे लोग शोरूम के पास पहुंच गए तो अमर ने कहा कि आप लोग अंदर जाइए, मैं कुछ देर के लिए बाहर खड़ा रहूं। और वो बिल्कुल उसी ड्रेस में, जिस ड्रेस में वो आया था, जिसमें वो बिल्कुल गरीब जैसा दिख रहा था, वो बाहर शोरूम के खड़ा हो गया। शोरूम के अंदर से एक इंसान की नजर अमर पे पड़ी और वो तुरंत बाहर निकला काफी तेजी में। और जैसे ही वो बाहर निकला और अमर के पास पहुंचा, उसने अमर को देखते हुए, गुस्से में देखते हुए कहा कि तुम फिर यहां पर आ गए, अब किस लिए तुम आए? मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करने वाला, मैंने तुम्हें निकाल दिया था ना, तुम्हें भगा दिया था ना, तुम गांव जाके फिर यहां पे आ गए? देखो, कोई ड्रामा नहीं चाहिए, कोई सीन नहीं चाहिए, अगर 100-200 रुपए चाहिए तो ये लो और यहां से दफा हो जाओ, यहां किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारा अंकल हूं, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अमर ने बिना कुछ कहे ये बातें सुन ली और उसके बाद वो वहां से चला गया। 10-20 मिनट के बाद अमर फिर लौट के आया, लेकिन इस बार जब वो लौट के आया तो वो बिल्कुल अलग ड्रेस में था, वो बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में था, सूट में था, टाई में था और वो एक जेंटलमैन की तरह शोरूम के अंदर घुसा। उसके अंकल उसी शोरूम में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थे और वो बाहर से आता हुआ जब अंदर पहुंचा तो उसके अंकल अंदर थे और वो बड़े गौर से देख रहे थे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि आखिर ये क्या हो गया। एक पल के लिए उनकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि वो अमर को देख रहे हैं। फिर उन्हें लगा कि कोई बात नहीं है, हो सकता है कुछ अच्छे लोग इसको मिल गए हो और किसी और की कार निकलने वाली होगी और ये आ गया होगा। उसके अंकल को तब तक जरा सा भी ये एहसास नहीं था कि आज अमर की कार निकलने वाली है। लेकिन जब फाइनली अमर की कार निकली, डिलीवर हुई और जब अमर को सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, सब लोग उसे शुभकामनाएं दे रहे थे और कार की चाबी जब उसके हाथ में गई और सब वो कार पे बैठा और जब लोग उसके साथ तस्वीरें ले रहे थे, तब इन सारी चीजों को उसके अंकल दूर से देख रहे थे और वो काफी शर्मिंदा हो रहे थे कि वो अब किस तरीके से अमर को फेस करेंगे। अमर भी बिल्कुल उनको इग्नोर कर रहा था और वो सारी चीजें देख रहे थे। और एक पल के लिए अपने दुख का एहसास भी हो रहा था, उनके अंदर यह आत्मग्लानी भी चल रही थी कि उन्होंने अमर के साथ ज्यादती कर दी, गलत किया। जाते वक्त
जाते जाते अमर कार से उतरा और एक मिठाई का डब्बा लेके अंकल के पास पहुंचा और उसने अंकल से कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने उस दिन मुझे अपने घर से निकाला ना होता तो अंकल मैं आज यहां नहीं पहुंच पाता। अच्छा किया आपने कि मुझे निकाल दिया, अगर आप ना होते तो मैं अपनी जिंदगी में कभी सफल ना होता। ये मिठाई आपकी। अमर के अंकल काफी भावुक थे और उन्हें एक शर्मिंदगी का एहसास भी हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये पूछना सही समझा कि आखिर तुमने ये सब कुछ कैसे किया? मैं इतने दिनों से नौकरी कर रहा हूं लेकिन आज भी एक कार नहीं ले पाया, आखिर तुमने 15-16 महीनों के अंदर ऐसा कैसे कर दिया? तब अमर ने कहा कि आपको याद है जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था तो लगभग उसके एक महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया था और आपको एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, लेकिन आपने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया था और मुझे ये लिख के भेजा था कि आइंदे मैं आपको किसी भी प्रकार का मैसेज ना करूं। आपने ये कहा था कि आपको ये सारे काम पता है और इस प्रकार के कामों में आपको नहीं पड़ना है, और आपने मुझे नसीहत दी थी कि मैं गांव लौट कर चला जाऊं। अंकल मैंने वही काम किया, मैंने वही नेटवर्क मार्केटिंग की और आज मैं अपनी जिंदगी में यहां पे हूं। हाँ, मुझे अफसोस है कि आप मुझे नहीं समझ पाए। मेरे अपलाइंस ने मुझे यह सिखाया था कि सिर्फ दोस्तों को ही नहीं, जिससे तुम्हारी दुश्मनी भी हो गई है उनको भी माफ कर दो और उनको भी साथ लेके चलो। आगे क्या हुआ होगा ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मैं चाहता हूं कि इस कहानी को आप सिर्फ अपने तक ना रखें और भी लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। और हां, वैसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के आमंत्रण को या इस प्रकार के किसी भी आमंत्रण को इग्नोर कर देते हैं, मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि कई बार अवसर आपके दरवाजे पे खुद आती है, लेकिन अगर आप अवसर की कद्र नहीं करेंगे तो वो आपका इंतजार नहीं करेगी। हर चीज जो आपको खराब लगती है जरूरी नहीं है कि वो खराब ही हो। कोशिश कीजिए कि आप किसी भी चीज को बेहतर तरीके से जान पाए, और नेटवर्क मार्केटिंग आज एक ऐसा अवसर है जो आपकी पूरी जिंदगी को सच में बदल सकती है। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है।